हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव जर्नी। तो आज के इस DIY में हम बनाएंगे एलिफेंट कैंडल होल्डर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, वॉल पुट्टी पाउडर, पेपर टेप, वाटर, एक्रेलिक पेंट, 3D आउटलाइनर, एक्रेलिक कोन, फेविकॉल और कैंडल। इस DIY में एलिफेंट को मैं कुछ इस तरह का शेप देने वाली हूँ। तो उसे ऑलरेडी मैंने कार्डबोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है और फिर कैंची की हेल्प से इसे कट कर लिया है। एक हाथी का पीस रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए हैं। आप चाहें तो इन्हें बड़ा या घटा सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप जो कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है। और फिर इसे पेपर टेप की हेल्प से हम जॉइन कर देंगे। यहाँ हमने हाथी का बेस रेडी कर लिया है। अब इसे वॉल पुट्टी क्ले की हेल्प से कवर करेंगे। इसके लिए वॉल पुट्टी और पानी की हेल्प से एक डो ऑलरेडी मैं प्रिपेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिससे आप भी इजीली ये वॉल पुट्टी पाउडर से डो बना सकते हैं। अब उंगलियों को हल्का सा गीला कर वॉल पुट्टी डो को कार्डबोर्ड के पीस पर स्प्रेड करते जाएंगे कुछ इस तरह से। अभी मैंने कार्डबोर्ड के एक साइड पर क्ले अप्लाई नहीं किया है। जब ये आगे का हिस्सा सूख जाएगा तब हम इसके बैक साइड पर भी क्ले अप्लाई करेंगे और उसे सूखने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसके पैरों को थोड़ी सी स्टेबिलिटी देने के लिए क्ले की हेल्प से ही कुछ इस तरह से क्वाइल रेडी करेंगे और उसे पैरों पर स्टिक करेंगे। कैंडल होल्ड करने के लिए हम क्ले से ही एक प्लेट रेडी करेंगे।
कैंडल प्लेट अब रेडी हो गई है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। हम इसे भी कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये सब कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम सैंड पेपर की हेल्प से इसे रब करेंगे और फिर इसके ऊपर हम पेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इसे पेंट करने के लिए मैं पर्ल सिल्वर कलर का यूज कर रही हूँ। एलिफेंट का बेस कलर अब ड्राई हो चुका है तो हम इसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके पैरों को ब्लैक कलर से पेंट कर रही हूँ और फिर 3D आउटलाइनर और एक्रेलिक कोन की हेल्प से इसे डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसे 3D आउटलाइनर या फिर एक्रेलिक कोन से ही डेकोरेट करें। एक्चुअली मेरे पास एक्रेलिक कलर्स का कोन भी था और कुछ 3D आउटलाइनर्स के कलर्स थे, तो इसलिए मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपके पास हो उनसे भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं।
फेविकॉल की हेल्प से इन कैंडल प्लेट्स को हम हाथी के ऊपर स्टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एलिफेंट कैंडल होल्डर बनकर रेडी है। आई होप ये DIY आपको पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।